हलकों में जहाँ ऑलरेडी पार्टी के कैंडिडेट एग्जिस्ट। गबोल साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गबोल साहब, नादिर गबोल साहब, आप मुझे फिर दोस्त आशिक अवान बहन जो है मेरी, इनका जो लीडर है ये तो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं करता, ये तो आज वोट कास्टिंग पे भी नहीं गया, ये तो लानत भेजता है इस पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड हमारी एमपी है रुबीना कायम खानी, उनके एक ही इकलौता बेटा, 16 साल का बेटे का इंतकाल हुआ है कल उसका, मगर फिर भी वो आज आई है और इस डेमोक्रेसी में वो यकीन करती है क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी में यकीन करता है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये क्या पैगाम दे रहा है मुल्क को, क्या पैगाम दे रहा है ये वोटर को? ठीक, सारा ड्रामा रचा है कि जिसकी ज्यादा बोली लग रही थी टेसोरी ने पैसे लेकर आए तो फारूक सत्तार के मुंह में वो थूक गिरना शुरू हो गया, उसको लालच हो गई, उसके सामने वो दूसरा जो आमिर खान है और खालिद मकबूल सिद्दीकी है उन्होंने बोला यार फारूक सत्तार क्यों सारे पैसे खा जाए, थोड़े पैसे हमें भी दो, इसके ऊपर सारा इनका फड्डा हुआ है, इसके ऊपर सारा, और इसका नुकसान इनको ही हुआ है, इनके वोटर्स को ही है हुआ है। नेक्स्ट इलेक्शन में कोई भी गैरतमंद इंसान एमकेएम को तो वोट नहीं देगा, ये बात तो पक्का हो गया। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि जो रिजल्ट है जिसमें से वैसे तो हमारी नीयत थी कि हम 12 के 12 जीते, मगर फिलहाल जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके तहत हमने 10 जीते हैं। इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि ये प्रूव हो गया कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है, हमने कोई वहां पे पैसे खर्च नहीं किए, क्योंकि अगर हमने किए होते तो हमें वाकई में 12 के 12 मिलते। फंक्शनल लीग को क्यों मिला एक, जो सुनने में आ रहा है अभी तक जो गैरतमी या गैर सरकारी नतायज उसके तहत फंक्शनल को एक मिला है, क्योंकि शायद उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने ये हॉर्स ट्रेडिंग वहां पे लाई है, पीपल्स पार्टी ने कोई वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है। और सबसे आखिरी बात मैं आपको इस मौजू पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ करना चाहता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उनके नुमाइंदे थे जो कि गरीब थे, जो कि अरबपति नहीं थे, जो कि बिल्कुल ग्रास रूट वर्कर क्लास के लोग थे, एक हमारी कृष्णा कोहली, दूसरी अनवर लाल दीन, बेचारे इतने ये लोग बिल्कुल ग्रास रूट से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि सेनेट से आएगा, किसी और पार्टी से ये होते तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग सेनेट में आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है और पूरा पाकिस्तान दाद दे रहा है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो